जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने किंगडम ऑफ अल्लाह का जो है वो जिक्र किया है। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उस किंगडम की खूबसूरती के बारे में इन्होंने क्या बताया है। इसका जो पूरा टाइटल है वो है द किंगडम ऑफ अल्लाह नो योर क्रिएटर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इसको डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया सबसे खतरनाक वायरस जो है ना ये इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहां आए दिन जना वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख लें क्या चीज है, गोश्त की चीज बनाई है आप, इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, आप सब्जी डाल दें वो भी हजम होकर निकल, ऐसा तजाब का सिस्टम रखा है और सब कुछ हजम हो जाता है सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख लें आप, 1,00,000 दफा रोजाना सर धड़क रहा है, 1,00,000 दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के, और खाली धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता इतना खर्च। ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1,00,000-1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं, उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मजरूई तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं जी। 1,00,000 किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सरकमफ्रेंस है जमीन का, यानी जमीन पे आप यहां से चलें और गोल पूरा चक्कर काट के यहां आए तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 3 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने, और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है, और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1,000 अरब के बराबर होता है, और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, किड्डी खतरनाक शायद अरब, 1,000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक एक बंदे के अंदर। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है, और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें, पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलिए का हिसाब रख सकते हैं एक बंदे का, तो ये किसने हिसाब रखा, अल्लाह ने। 100 ट्रिलियन सेल्स, और साइंटिस्ट कहते हैं ये इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने रख दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है जी। जिंदगी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी। और ये एक इंसान की बात हो रही सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है अभी अभी, ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं, ये सेल्स तो एक जैसे ही है, ये कौन डिसाइड करता है मां के पेट के अंदर के ये जो एक गोश का लोथड़ा है इसने कुछ अरसे बाद डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलके गुर्दा बना देना, और सर गुर्दा उसका फिर फंक्शन भी बनाना है सर, खाली गुर्दा नहीं बनाना,
इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं ये आंखें तो समय से बाहर हैं कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं जो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई, एक घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह ने। फिर फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है। एक एक बंदे की ये चीजें कंसिडर करें तो इंसान, ये मिरिकल है। इन इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने फरमाया सनूरी ही मायाती ना फिल आफाक व फी अनफुसहिम, अन करीब जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई हैं। ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजूदा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। और अरब तो आपको पता है कितना होता है, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना, जमीन व आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर कितने बीज निकलते हैं। आजकल सर्दियां अमरूद खाया है, कितने बीज निकलते हैं। एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं, आप तोड़ेंगे अगले सीजन में फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है, एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं तो यकीन करें जब ये तरबूज काटता हूं मैं परेशान हो जाता हूं कि कहां कहां बीच में एडजस्ट किए हुए बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, अगर कोई कहता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, हमें बीज बना के को बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं आपको, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बता दें। अंडा तो बनाने का आपको कह ही नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को ये ना बताओ कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है, उसको तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक यानी खाने पीने का निजाम है, वो पूरी एक जिंदगी है, इस लेसदार मादे से बनती है, अंदर जाके कौन बना देता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजजा है, जो कुछ हो रहा है, लेकिन चंद मौजजात के हम आदि हो चुके हैं, इसलिए हमें मौजजे लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मौजजा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मौजजा हो गया, इसलिए कि हम आदि नहीं है। सर इससे बड़ा मौजजा अंडे में से चूजा निकलना, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है। और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं, मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने वाली चीज। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही है शरातुल अर्थ, ये सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने शिनोक हेलीकॉप्टर बनाया, वो जिसके 4 पर होते हैं जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं, सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है। और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं एक ढेले में। और वो उसकी आंख कितनी सी थी वो होगी आप देख लें, और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आपके हेलीकॉप्टर और जहाजों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है, उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कुछ जगह साफ करवानी पड़ती है, जिधर से उठे जहां मर्जी जाके लैंड कर ले। और हमारे जहाजों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है सर, चिड़िया में आपको नहीं फ्यूल डालना पड़ता, वो खुद अपना फ्यूल लेती है। और आजकल तो ये सर्दियां हैं, आपको पता है आजकल वो
परिंदे आए हुए हैं साइबेरिया से, इधर 10,000 किलोमीटर का सफर। कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब, सुरखाब के पर सुना भी हुआ ना, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो। और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर, 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए। जी स्टेश है कोई नहीं, और तवक्कुल देखें, समुंदर के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्माद है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसने उसे पंजाबी कहना जागो मिट्टी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहां पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहां पे हमारे जो शिकारी लोग हैं, कुछ शिकार करते हैं ज्यादातर, तो वो बच जाते हैं, फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक यूट्यूब के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना, मेगा माइग्रेशंस के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की, कहां से कहां तक जाते हैं, बंदा हैरान हो जाए। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ कि सर मैं थे जे। 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है, कई किलोमीटर से ना एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है, अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अब मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है, क्या एक यानी गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीजें फिट कर दी हुई है। समुंदर के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर्स तो नहीं लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शुमाल है, जनूब है, उनके दिमाग में कंपास लगी हुई है। ये साइमन मछलियां कहां से चलती हैं, कहां तक वापस पहुंचती हैं, किधर किधर समुंदर में ट्रेवल करती हैं, अपोजिटली फिर पहुंच भी जाती है। अल्लाह तआला माता है रिज़्क लिल इबाद, ये जो खजूरों का जिक्र किया ये खाने के लिए रिज्क है, मेरे बंदों की रोजी। अल्लाह अकबर। व अहयीना बिही बल्दतम मैता, और इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वो जो सवाल हुआ था ना, जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़ालिका रजुउन बईद, ये तो दूर की बात है हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज, और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना, और मुर्दा जमीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी जमीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो, ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है, और जो तुम देख रहे हो, देख रहे हो ना सर, हम नहीं देखते हैं जनाब बारिशों की वजह से जमीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हैं ना, और ना भी देख रहे हो, ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए सारे मरे पड़े होंगे। तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। और अल्लाह हमारा रिज़्क लिल इबाद, ये हमारे बंदों के लिए रिज़्क है जो हम उगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी क्यामत मुज़मिन है सर, वो बीमार लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर साहब एन चावल खा दे सर, बस तबीयत खराब हो गई। अब चावल तो मना थे, तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी तो एनी जी होती है ना, इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है, और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है, तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको, तो मान लीजिए बीमारी बन जाता है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपेटेबल ना हो, इसके लिए कंपेटेबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, हमारे जिस्म के साथ, तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान पे रखते ही बंदा मर सकता है, अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपेटेबल ना हो, एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिज़्क लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपेटेबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देख रहे हैं इंसान गोश्त भी खाता है जनाब,
सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। आप जरा शेर के सामने ताजा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं, क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप ला के बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गीबत ही ना हो जाए, मुर्दा भाई का गोश्त। उसके सामने जनाब मछली लिया के रख दो, तुसी मोटा गोश्त लिया के रख दो, खाएगी बकरी? तो देख ले कंपेटेबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया, और सूरत नहल में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते। सर दूध की तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता, इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े ही नहीं हो सकते। अभी आप रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो सबने दूध पिया हुआ है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध के ऊपर। अगर दूध ना हो, या दूध भैंसे देना या गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत ने कहां से बढ़ा होगा? ये आप खुश्क भी पैकेटों का दूध भी जो है वो उसी से बनाया जाता। अफाईना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए हैं? ओए हाय, पहली दफा को काम करना जो है ना मुश्किल होता है, दोबारा तो बड़ा आसान होता है। ये भी कुरान पाक में आयत आती है कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे, क्या हम पहली दफा बना के थक गए? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में पड़ गए। शक में क्यों पड़े? सर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, वरना कायनात के अंदर तो कितने, मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया है, वो काफी है इंसान को खुदा तक पहुंचने की। और मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूँ, गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड है। साइंस हमें ज्यादा ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है सर। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी। अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से या मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देना, बना नहीं सकते। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती, लिविंग थिंग्स से ही बन। तो ये साइंस ज्यादा डिस्कवरीज करती है। अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ? जलजला हुआ है, क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टरबेंस, कैसे हो गया, किसने डिसीजन कर दिया? वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होगा। तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल हैं उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है, आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, सुप्रीम बींग कह दें, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह दें, आप भगवान कह दें, आप खुदा कह लें, आप गॉड कह लें, आप अल्लाह कह लें, वो एक ही है। ये हकीकत है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, इस दुनिया को जो चला रहा है, वो एक ही रब है, वो हम सबको पता है। बस कुछ लोग होते हैं जो मतलब नहीं कहते कि इस दुनिया में कोई सुपर नेचुरल पावर है या कोई भगवान नाम की चीज़ है, क्योंकि वो लोग साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि एज़ पर द साइंस कोई भगवान नहीं होते हैं। लेकिन मतलब साइंस डिस्कवरी करती है, हमें और भी बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है साइंस से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनके आगे साइंस भी फेल हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आत्मा की, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कैसे आती है, और जो कि प्रूवन भी है कि ऐसा नहीं है कि जिसे हम भूत बोलते हैं या बोलते हैं कि आत्माएं भटकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं है।
ऐसा होता है बहुत जगह पे, तो वाकई ही ये इस टाइप के वाकये देखे गए हैं। यहाँ पे लोगों ने आत्माओं को फील किया है, उनकी प्रेजेंस को फील किया है, वो वाकई चीज़ों को मूव करती है। और अच्छे से पूरी मतलब चेकिंग करने के बाद में भी पता चला कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आर्टिफिशियल उन्होंने अरेंज किया हो, जिसकी वजह से चीज़ें मूव कर रही हों, बट ओरिजिनली मतलब अपने आप ही चीज़ें ऐसे मूव करती हैं, जिससे कि लोगों ने ये माना है कि आत्माएं होती हैं। तो साइंस की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंगली तो मतलब नहीं होती आत्मा, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर हम बोले कि साइंस के अकॉर्डिंगली तो नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम लोग खुद अपने दिल से पूछें कि क्या वाकई ये चीज़ें बिना किसी सुपर पावर से या बिना किसी सुपर नेचुरल पावर के हो सकती हैं, तब हम लोग खुद ही अपने आप को आंसर देने में दे पाएंगे कि नहीं, उस रब की मर्जी के बिना ये चीज़ें होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रब ही है जो इस दुनिया को चला रहा है, वो रब ही है जो हमें बनाता है। मतलब हम लोग खुद हमेशा विश्वास करते हैं ना, जब कंसीव नहीं कर पाता कोई शख्स, तो वो हमेशा उस रब के आगे ही दुआ करता है कि परमात्मा कुछ तो ऐसा चमत्कार करो, है मेरे रब कुछ तो ऐसा मिरेकल करो हमारी लाइफ में भी, कि हमें भी एक बच्चे का सुख मिले। तो क्यों हम फिर हमेशा डॉक्टर के ऊपर ही 100% डिपेंडेंट नहीं होते? मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, बट साइमल्टेनियसली हमारी हमेशा सुबह शाम प्रेयर के टाइम पे हम उस रब से ही दुआ करते हैं कि हमारे घर में खुशियां दो, एक बच्चा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि उस रब की मर्जी के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इंसान को बनाने में, सिर्फ इंसान नहीं, ये जो भी जो इस पूरी दुनिया में है, जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, सबको बनाने में उस रब का एक बोलते ना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस रब का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल है इन सब इंसानों को बनाने में, जानवरों को बनाने में, और ख़ास करके पेड़ पौधों को बनाने में, क्योंकि कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, उनको सेम ही सनलाइट मिलती है, सेम ही सॉइल क्वालिटी मिलता है, सेम ही पानी मिलता है, बट फिर भी वो अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स उनमें या फ्लावर्स उनमें उगते हैं। तो वो सब होना बहुत सरप्राइजिंग है, और हम लोग माने चाहे ना माने, उस रब की ही ये करामात होती है कि ये सारी चीज़ें पूरे अपने रूटीन से चलती हैं। जिस फ्रूट का जो सीज़न होता है उसी सीज़न में ग्रो होते हैं, और जिस सीज़न में जो फ्लावर आने होते हैं वो उसी सीज़न में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो अपने रूटीन से ही चलते हैं। तो वो रूटीन उनका कौन ध्यान रखता है कि ये सही टाइम आ गया है, सही नहीं आया है? थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसलें पूरी ख़राब हो जाती हैं, उस टाइम पे भी इंसान सिर्फ उस परमात्मा से ही दुआ करता है कि मतलब बारिश ना हो टाइम से पहले, या बारिश हो जब उसको होनी है। तो मतलब ये सारा जो साइकिल चलता है ना, वो अगर अपने रूटीन से थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है तो हम सबको पता है कि बहुत बड़े डिजास्टर हो जाते हैं, कहीं फ्लड आते हैं, कहीं सूखा पड़ जाता है, और लोगों की बेचारों की फसलें भी ख़राब हो जाती हैं। तो हम हमेशा से दुआ करते हैं उस रब से ही कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलाना, सब कुछ ठीक ठाक रहे, ताकि कहीं पर कुछ नुकसान ना हो। क्यों हम जाके किसी साइंटिस्ट को अप्रोच नहीं करते कि मतलब कुछ ऐसा करो कि बारिश टाइम से आ जाए या बारिश टाइम से पहले ना आए? तो ये सब किसी इंसान के या इस दुनिया में जो लोग हैं उनके बस की बात नहीं है, जो मशीनरी है उनके बस की भी बात नहीं है कि वो इन सीजन्स को कंट्रोल कर सके। उसको कंट्रोल करने वाला बस एक वो रब ही है। तो हम लोग दिल से मानते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस रब पे, उस खुदा पे विश्वास नहीं करते होंगे। मतलब 1-2% लोगों को अगर छोड़ भी दें हम, तो कम से कम 98% लोग तो ऐसे हैं जिनको उस रब पे पूरा विश्वास है कि जो भी करने वाला है, इस दुनिया को चलाने वाला जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा ही है, एक रब ही है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब
और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी, बाय।